हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेलों, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100, FM 100. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, फ्रॉम 100 लाहौर स्टेशन, एंड आई एम आज बरीदा फैसल खान विद यू, एंड वी आर लाइव एंड ऑन एयर फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियो. प्रोग्राम इज अपना कारोबार, और अपना कारोबार आप सुनते हैं हर सैटरडे को हमारे साथ, जिसमें मेगा सक्सेस के सीईओ शकील अहमद मीर हमें ज्वाइन करते हैं, और हम कुछ बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से कि आप अपना कारोबार कैसे सेटअप कर सकते हैं, कुछ अर्निंग्स के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में उसके हवाले से बात करते हैं. एंड इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव शो एंड इक्वली इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन, जिसमें के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, और वो तमाम लोग जिनके पास सेविंग्स हैं, यू नो दे वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, सो वी गिव देम वेरी गुड बिजनेस आइडियाज फॉर दैट एंड हाउ टू यू कैन एक्चुअली लॉन्च योर ओन बिजनेस. आज की भी जो हमारी एपिसोड है उसमें हम एक नया टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे. टॉपिक के बारे में आपको बताती हूँ, योर फीडबैक इज वेरी गुड एज फार एज यू नो लास्ट शोज आर कंसर्न, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट, बट एवरी वन इज लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस शो. सो टुडे आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है मेगा सक्सेस पाकिस्तान के सीईओ शकील अहमद मीर, उनकी तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम शकील सर. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच. आई रियली अप्रिशिएट एफएम वाले जो कुछ कर रहे हैं, और खासतौर पे बरीदा आप. इस शो में वाकई बहुत मजे की बातें भी होती हैं, और हमारा जो एम था कि हमारे नौजवान प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन सारे एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा कर सकें, उनको जो कुछ हमें आता है हम सिखा सकें, तो बहुत ही जबरदस्त फीडबैक आ रही है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसको अब नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने लगे हैं, जहां पे इन सारे ग्रुप्स को हमने इकट्ठा करना है और मिलकर इंशाल्लाह बेशुमार बिजनेसेस लॉन्च करेंगे, तो उस पर ज़रा डिटेल से आज बात करेंगे. Yes, exactly. Today we are talking about how you can launch, how Mega Success is actually launching business hubs in Pakistan. कि पाकिस्तान में business hubs किस तरह से launch किए जा रहे हैं, और ये business hubs launch होंगे तभी opportunities business के हवाले से, jobs के हवाले से create होंगे, because all these things are interconnected with each other. So today we'll be talking about business hubs in Pakistan. के Mega Success project का एक aspect ये भी है कि they are launching business hubs. So what these business hubs are and what it is all about. So we'll be going to Shakil sir for this. अच्छा, business hubs के ये idea कहाँ से आया? Prime Minister Imran Khan साहब ने एक वादा किया था काफी अर्सा पहले कि मुल्क में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे. तो मैं उस टाइम लंदन में था, obviously अपने businesses रन कर रहा था, तो काफी सारे ideas आए, जो हमारा network था, some of the top entrepreneurs और businessmen पाकिस्तान से भी, बाहर से भी, तो हमारे आपस में डिस्कशन चल रहे थे, यार ये इस तरह का काम हो सकता है, और पाकिस्तान एक्चुअली तरक्की इसी से करेगा. लेकिन हम जो हमारे डिस्कशन हुई उसमें समझ हमें ये आई कि जॉब्स प्रोड्यूस कैसे होंगे. तो जॉब्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली या आप बहुत सारे नए बिजनेसेस स्टार्ट करोगे, या किसी इंडस्ट्री को उठाओगे, या एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को आप बहुत बड़े स्केल पे ले जाओगे, ताकि वो लाखों हजारों नौकरियां जब बड़े बड़े बिजनेसेस पैदा करेंगे. तो उस वक्त से ये आइडिया हमारे जहन में था कि हम अगर ये देखें कि अगर 3-4 किस्म के ग्रुप्स हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको जॉब चाहिए होगी, यानी वो तालीम हासिल कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो किसी ना किसी जॉब में हैं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि उनका असल जो पैशन था शायद बिजनेस था, लेकिन बिजनेस में उनको टाइम नहीं मिलता आने के लिए, क्योंकि वो एक जॉब में है और जॉब से उनका सारा जो किचन मनी है वो सारा सिस्टम चल रहा है. तीसरी तरफ हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पहले से बिजनेसेस कर रहे हैं, शायद उनको इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज ना हो या सपोर्ट ना हो कि वो अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकें. फिर हमारे पास इन्वेस्टर है. अब पाकिस्तान में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग समझते हैं कि एक गरीब मुल्क है. गरीब मुल्क तो है, शायद 95% लोगों के पास इतने ही पैसे हों कि वो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन 5% ऐसे हैं जिनके पास बेशुमार पैसा, और उनको बाज़ औक़ात मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता अपने बिजनेसेस लॉन्च करने का, लेकिन वो बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और हमें बहुत से लोग रापता करते हैं कि कौन से बिजनेस अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ओवरऑल हमने एक प्लान किया कि इन सब लोगों को अगर हम इकट्ठा कर दें, एक जगह पे ले आए, सबको हम नॉलेज भी दें, हम सबको एक्सपीरियंस भी दें, तो ये किस किस्म की एक्टिविटी हम जनरेट कर सकते हैं. तो आज से 8-9 महीने पहले मैं पाकिस्तान आया, हमने अपना एक पहला सेंटर टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जिसका नाम है मेगा सक्सेस पाकिस्तान, एंड उसके अंदर हम 100 से ज्यादा बिजनेसेस लॉन्च कर चुके हैं इन्हीं 3-4 ग्रुप्स को इकट्ठा करके,
और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से जो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर रियली सक्सेसफुल, कुछ तो वो मल्टी मिलियन डॉलर के लेवल पे चले गए। तो ये इतना सक्सेसफुल रहा, अभी ये ट्रायल था, टेस्टिंग थी और उसके दौरान, तो अब हमने ये डिसाइड किया कि इसी मॉडल को हम हर शहर में लेके जाएंगे। वो मॉडल इज सिंपल कि एक तरफ वो लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता, तो हम उसमें अब बिजनेस सेंटर में होगा क्या या बिजनेस हब में क्या होगा, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी बिजनेस करना चाहता है जिसके पास एक अच्छा आइडिया, वो आएगा अपना आइडिया प्रेजेंट करेगा कि मेरे पास ये आइडिया, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ, ऑनलाइन कोई काम करना चाहता हूँ, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। तो वो आएगा तो वो पिच करेगा एक टीम के सामने और टीम जो है उसको असेस करेगी आइडिया, आइडिया अगर वो वाकई फिजिबल है यानी एक्सपर्ट्स के सामने, तो क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे उस नौजवान के साथ या उस प्रोफेशनल के साथ, हम इन्वेस्ट करेंगे उसके बिजनेस को, हम ना सिर्फ उसको पैसा देंगे बल्कि उसको सपोर्ट भी करेंगे कि वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि एवरीवन थिंक्स, आप अगर, मैं जब भी पोस्ट लगाता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, मैं कहता हूँ कि यार आपको कौन सी चीज रोक रही है, हर कोई कहता है पैसा। पैसा इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको चाहिए बिजनेस, लेकिन 95% इज समथिंग एल्स। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जबरदस्त किस्म की टीम चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, मार्केटिंग चाहिए। तो एनीवे, जो फर्स्ट ग्रुप है वो है students/professionals/startups जो अच्छा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको पैसा भी चाहिए और जिनको सपोर्ट भी चाहिए। तो नेक्स्ट उसके बाद जो है हमारे पास है, सॉरी आई थिंक कोई डिस्टॉर्शन आ रही है यहाँ पे, अभी मेरे पास आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज जी, सॉरी एक्सक्यूज मी। अच्छा तो सॉरी मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो पहला ग्रुप ये है, फिर सेकंड ग्रुप है जो बिजनेसेस हैं। अब पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे बिजनेस, अगर आप लाहौर की मिसाल लें, हम पहला अपना जो बिजनेस है लाहौर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप इसकी मिसाल लें, इस वक्त लाहौर में हजारों की तादाद में बिजनेसेस हैं और उसमें से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे शायद जा सकते हैं, यानी वो बिजनेसेस इस तरह से हैं कि कोई बंदा 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है अपने बिजनेस के जरिए, लेकिन अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले, उसमें पैसा इंजेक्ट किया जाए, उसको पूरी प्रॉपर प्रोफेशनल टीम मिले, तो वो 10x हो सकता है, यानी 10 गुना बढ़ सकता है या उससे भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये सेकेंड सेक्शन होगा या ग्रुप होगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस वाले, हमने पूरे लाहौर को सर्कल लगा के वहां पे तमाम एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हमने अवेयरनेस देनी है कि आप अपने बिजनेस को मल्टीनेशनल बिजनेस बना सकते हो या नेशनल बिजनेस बना सकते हो या फ्रेंचाइज स्टार्ट कर सकते हो। तो ये दूसरा ग्रुप है, वो भी इसी तरह हम उनके बिजनेसेस को रिव्यू करेंगे, जिसका हमें पोटेंशियल लगा यानी एक्सपर्ट्स का पोटेंशियल लगा, ना सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे बल्कि साथ सपोर्ट भी देंगे कि वो बिजनेस ग्रो हो सके। थर्ड इज इन्वेस्टर सेंटर होगा इसी बिजनेस हब के अंदर। ओवरसीज पाकिस्तानीज आर डाइंग कि वो आके पाकिस्तान में बिजनेस कर सकें, अच्छे पाकिस्तानी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो एक इन्वेस्टर सेंटर होगा जहां आप आके फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जो भी उस बिजनेस हब के अंदर जितने भी बिजनेस आइडियाज होंगे, बिजनेस प्रोजेक्ट्स होंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होंगे, वो उनको प्रेजेंट किए जाएंगे कि आप इनमें इन्वेस्ट करके एक तो अच्छे रिटर्न ले सकते हो, पार्टनर बन सकते हो, दूसरा रोल प्ले कर सकते हो। अच्छा, अब ये सारा क्यों कर रहे हैं, जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी कि जब इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, हमारा पहले 3 मंथ्स का टारगेट है कि कम से कम 100 स्टार्टअप्स बिजनेसेस को हमने उठाना बड़े लेवल पे और कम से कम 100 ऐसे बिजनेसेस जो पहले से एग्जिस्टिंग है उनको 10x करके उनको बड़े लेवल पे लेके जाना। तो ये 200 बिजनेसेस हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, कितना पैसा इकोनॉमी में आएगा और ओवरऑल जो रीजन है उसमें किस तरह इसने एक बड़ा रोल प्ले करना है। सो दिस इज द बिजनेस हब आइडिया, student/professional जिसके पास अच्छा बिजनेस आइडिया, startups, second existing businesses, third जो हमारे investors हैं, investors में सब शामिल हैं यानी local, आप 1 लाख से 5 लाख से start कर सकते हो, करोड़ों अरबों तक जा सकते हो, फिर overseas पाकिस्तानीज हैं, फिर international organizations हैं, हमारा एक पूरा department है जो international बड़ी fundings हैं उनको पाकिस्तान में लेके आएगा। तो ये idea है हमारा business hub का। Right. And so far, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है बिजनेस आपका, आपके पास यंग स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स या जो लोग ऑलरेडी बिजनेस इनके सेटअप हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और किस तरह से अभी तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है? अच्छा, इसमें लाहौर में जो पहला है, देखिए, एक तो मेगा सक्सेस पाकिस्तान इटसेल्फ इज आल्सो बेस्ड नियर राइव इन लाहौर, लेकिन ये समझ लें कि थोड़ा प्राइवेट था,
इसमें सिर्फ हम तीन पार्टनर्स हैं, वो सारे जो 100 बिजनेसेस हैं साथ हमारे, और नीचे जो सीईओज हैं उनके साथ कर रहे हैं। तो जो ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं ये विद इन 2 वीक्स लाहौर में लॉन्च कर रहे हैं बिजनेस हब, इट विल बी इन द सेंटर ऑफ द सिटी। तो रिस्पॉन्स की आप जो बात कर रही हैं, मैंने सिर्फ कल एक पोस्ट लगाई कि इस तरह से जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने वर्किंग की हुई है, तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने पोस्ट कर दिया। तो वो मेरे ख्याल में 3000 से ज्यादा 5-6 घंटों के अंदर एप्लीकेशन आई है उसमें। सो आई ऑलरेडी नो के देयर इज अ ह्यूज ह्यूज रिस्पॉन्स और मिलियन पीपल फॉलो अस, और ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेसेस या तो स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इट्स रिस्पॉन्स इज अमेजिंग, पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल्स आ रही हैं कि कराची में स्टार्ट करें, इस्लामाबाद में स्टार्ट करें, लेकिन हमने पिछले 10 महीने लगाए हैं कि एक जबरदस्त किस्म की टीम हो या टीम्स हो जो इस सारे स्ट्रक्चर को चला सकें, बिकॉज इट्स अ ह्यूज एफर्ट। होनी तो ये नेशनल लेवल पे, परहैप्स शुड बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जिसमें कामयाब जवान है, उसमें आप उन्होंने 100 अरब रुपया मुख्तस किया है नौजवानों के लिए कि वो अपने बिजनेसेस कर सकें स्टार्ट। इसी तरह से और प्रोग्राम्स भी हैं लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यानी आप जाओ आप कर्जा तो ले सकते हो लेकिन मोर देन 90% पीपल फेल क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्होंने पहले बिजनेस नहीं किया होता। तो हम वो जो गैप है बीच में वो भी ब्रिज कर रहे हैं और एक अपनी एक्टिव तो एक जो गाइडेंस का इशू है जो लोगों के पास नहीं है, इवन बहुत से जो गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स लॉन्च की हैं लेकिन लोग उसमें ये होता है कि कर्जा जरूर ले लेते हैं गवर्नमेंट से लेकिन दे डोंट नो इन विच डायरेक्शन दे शुड बी इन्वेस्टिंग या किस साइड पे उनको जाना है या क्या गाइडलाइंस है या क्या गाइडेंस है। सो मेगा सक्सेस इज एक्चुअली ब्रिजिंग दैट गैप, और जब आप मेगा सक्सेस के साथ आप काम करेंगे या मेगा सक्सेस के बिजनेस हब में आप जाएंगे तो वहां पे ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ जो है वो गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स यू विल बी गेटिंग दैट एज वेल। दिस इज व्हाट शकील साहब इज टेलिंग अस। लास्ट शो में हम कुछ बात कर रहे थे शकील साहब कि कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि बहुत से लोगों ने रियलिटी टीवी शोज भी इस तरह के होते हैं कि जिसमें आप अपना एक बिजनेस आइडिया लेके आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंड यू नो द बेस्ट बिजनेस आइडिया गेट्स ऑल द सपोर्ट from that you know reality show that is actually happening right now in Pakistan where Shakil Saab is doing in mega success. So you have all the opportunities, but again ye jo ek proposal hai for you know making your own business idea and you know starting your own business idea, you obviously need some direction for that. Zaruri nahi hai ki jo cheez mujhe pasand ho ya mujhe achhi lagti ho business start karne mein wo market mein bhi utni successful. तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इसके बारे में बात की थी कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स हैं जिसके अंदर हमारी यूथ को जो है वो सोचना चाहिए या उसके लिए प्रपोजल्स बना सकते हैं वो, और माइंड में एक आइडिया अपना क्रिएट करके जो बिजनेस सब में आ सकते हैं। तो वो कुछ इससे बात है। अच्छा, जो बिजनेस आइडिया है इसमें आई हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन जो बात लोग कंफ्यूज कर देते हैं इसको। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनको आइडिया नहीं, जिनको ये तो पता कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं या अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, उनको बिजनेस आइडिया पे कंफ्यूजन होती है कि मैं कौन सा काम करूं। तो अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, द फर्स्ट थिंग आप पहले आप रिसर्च करेंगे। आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट सेट असाइड 2 वीक्स या 1 महीना आप लगा के कि यार मैंने फुल रिसर्च करनी है कि मैंने किस चीज में जाना, मैंने ऑनलाइन करना है या मैंने फिजिकल बिजनेस करना। अगर ऑनलाइन करना है तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस कौन से हैं, आप फ्रीलांसिंग के जरिए एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हो, उसमें पोटेंशियल ये है कि 6 महीने तक आप 50,000 से 1,00,000 की आसानी से अर्निंग कर सकते हो अगर आप मेहनत करें। दूसरी तरफ जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप एज अ फ्रीलांसर भी काम से कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि आपने लोकल बिजनेसेस को, नेशनल बिजनेसेस को, इंटरनेशनल बिजनेसेस को मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया के सामने लेके आनी है ताकि वो बिके। तो इसी तरह आप ई कॉमर्स का आप स्टोर बना सकते हैं लोकल लेवल पे, यानी आप फिजिकल स्टोर बना सकते हो, उसको ऑनलाइन बनाए, फेसबुक के जरिए आप उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हो। देन देयर आर सो मेनी अदर ideas कि आप जिसमें काम कर सकते हैं। Now on the other hand कि अगर आप देखें कि जो लोग हमारे साथ आपके कहाँ के काम करेंगे वो कैसे होगा, यानी सेटअप कैसे होगा, जिसमें आपने मेंशन किया कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं
जिसमें लोग अपना आइडिया पिच करते हैं, यानी टीवी पे भी प्रोग्राम आते हैं, वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट, कि हमारा जो हर बिजनेस हब होगा उसमें एक एलोकेटेड स्लॉट्स होंगी कि आप आके कैमरा पर टीवी पर वो आइडिया अपना पिच करोगे। लेकिन आइडिया पिच करना ये मतलब नहीं है कि मैंने एक दुकान खोलनी है और मुझे उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, वो 20 लाख रुपए मुझे दे दें। तो इसका एक पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर होता है। हमारे हाँ जो बिजनेस कम्युनिटी में आइडिया वो होता है जो टेस्टेड हो चुका है, यानी किसी ने फर्ज करें अपने कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना, तो उसने वाकई ब्रांड बनाया हुआ है और उसने मार्केटिंग करके छोटे लेवल पे ये टेस्ट किया हुआ है कि वाकई ये चीज चलेगी। तो इस तरह के जो लोग हमारे पास आएंगे, जिन जो पहले से बिजनेस स्टार्ट कर चुके, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे उनको 2 महीने हुए 3 महीने हुए, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि वो सारे नंबर्स देखना और पता करना कि इसमें कितना पैसा डाला जाए, इसको क्या सपोर्ट चाहिए होगी और ये किस लेवल पे जा सकता है। तो ये इनिशियली इसमें बिजनेस आइडिया जो हमने सबसे पहले लाहौर के हब से स्टार्ट करना, वो ये चीज स्टार्ट करनी है कि आप आके कैमरा पे, यानी एक पहले सिलेक्शन प्रोसेस, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, हमारी टीम उसको रिव्यू करेगी, फिर आपको वो रिस्पांस देंगे और आपको फिर दावा देंगे कि आए, फिर कैमरा के सामने हमारे पास आके आप मुझे और हमारी जो लीडरशिप टीम है उसको आइडिया पिच करेंगे और हमने वहीं बता देना है कि कौन से बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसमें मजे की चीज ये है कि जितने फर्स्ट करें 10 आते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो वी हैव अ ह्यूज फॉलोइंग, वी हैव अ ह्यूज इन्वेस्टर्स नेटवर्क। तो मुझे ये लगता है कि 10 के 10 का किसी ना किसी को आइडिया पसंद आ जाएगा हमारे नेटवर्क में से और वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी गोइंग टू स्टार्ट, और फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और बाकी चीजें। राइट राइट, बिल्कुल। ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की और आज भी हम उस बारे में आप जैसे बता रहे हैं कि मेगा सक्सेस जो है ये इट इज एक्चुअली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन यू नो पीपल लिविंग इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी बहुत हाई होप्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से, और वी ऑलवेज सेज दैट यू नो पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए बड़ा जरूरी है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, एंड दिस इज एक्चुअली द टाइम दैट दे शुड बी पेइंग बैक टू पाकिस्तान। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है हमारे, उनका क्या इंटरेस्ट लेवल है, आर दे रेडी टू टेक द रिस्क? फॉर एग्जाम्पल इफ बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर है जिसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, are they ready to invest with him or her, and you know, are they ready to take the risk? उनका कैसा response है? सबसे ज्यादा मेरी कोई intention नहीं थी, देखें मैं क्योंकि खुद overseas पाकिस्तानी हूँ, initially मेरी intention नहीं थी कि जब हमने mega success को launch किया, हम मुझे ये था कि youth है हमारी, professionals हैं, उनको सिखाएं कि यार business भी कोई चीज होती है और बड़ी जबरदस्त इसमें opportunity है, जो आप धक्के खाते हो 25-30 हजार के तनख्वाह के लिए आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो anyway, हुआ क्या कि हम जो भी बिजनेसेस अपने थे उनको हम हाईलाइट करते थे, यानी मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो वो सबसे ज्यादा लोगों जिन्होंने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, और दड़ाधड़ हमें कॉल्स और मैसेजेस आना शुरू हो गए कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या आपने आइडिया प्रेजेंट किया था हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो दे आर डाइंग टू वर्क इन पाकिस्तान, दे आर डाइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि रिस्क, बहुत से लोग कोशिश करते हैं, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी में उन्हें नजर आती है प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी बाय द वे हमारे लिहाज से, क्योंकि हम बिजनेस के लोग हैं, सबसे डल जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉपर्टी की होती है, अनलेस कोई बड़ा विजन हो, आपने स्मार्ट सिटी बनाना है, आपने सस्टेनेबल सिटी बनाना, तो उसमें बहुत ज्यादा वो विलिंग है। अब चीज ये है कि वो रिस्क कैसे लें, एक तो रिस्क ये है कि पाकिस्तान में पैसा आया वो अपने चाचे मामे ताए नॉर्मली किसी को भेजते हैं, वो या तो वही खा जाते हैं या आगे जहां वो इन्वेस्ट करते हैं या बिजनेस करने की कोशिश करते हैं उनको बिजनेस करना आता ही नहीं होता और वो ज्यादा पैसा जाया हो जाता है। तो इसी ब्रिज जो गैप है इसको ब्रिज कैसे कर रहे हैं कि देखें, एक तरफ नौजवान है या कोई प्रोफेशनल है किसी के पास बिजनेस आइडिया है, वो आता है हमारे पास, और एक ओवरसीज पाकिस्तानी कहता है यार मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन रिस्क फैक्टर कैसे खत्म करेंगे? रिस्क फैक्टर ऐसे खत्म करेंगे कि वो इनिशियली उस नौजवान में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो मुझ में कर रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम ने ना सिर्फ वो मैनेज करना है सारा पैसा इन्वेस्टमेंट, बल्कि ये इंश्योर करना है कि वो बिजनेस सक्सेसफुली रन हो। अब हमारे नेटवर्क में 300 से ज्यादा बिजनेसेस हैं जो हमने सक्सेसफुली रन किए हैं और ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें एक्सपीरियंस है इन चीजों का, तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि एक तो ट्रांसपेरेंट हो, टीवी पे स्क्रीन पे सामने पता हो ये बिजनेस है, ये इसका सेटअप है, और जब लोग वो फिजिकली देखते हैं तो फिर उनको
वो ट्रस्ट लेवल भी उनका बढ़ता है। दूसरा, हमारा पहले से एक नाम है, हमारा एक पोर्टफोलियो है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, तो हमारे साथ जब मिलके वो करेंगे तो देयर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। एंड इनफैक्ट जो आपने बात की कि ओवरसीज पाकिस्तान, देखें गवर्नमेंट है पूरा पाकिस्तान जो है वो बार दफा मजाक भी बनता है कि वो कटोरा उठा के निकल जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए दूसरे मुल्कों के आगे। तो यार ओवरसीज पाकिस्तान दे आर बिलियनर्स, सिर्फ उन्हीं का हम ट्रस्ट जीत लें तो उनके पास इतना पैसा है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू डू, कि जबरदस्त किस्म की यार उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दें। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। फर्ज करें कि एक लाहौर से हमारे पास एक ब्रांड आता है कि हम एक स्पेशल चीज जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं। आप मिसाल ले लें जी, आप क्लोथिंग का कोई ब्रांड ले लें, ठीक है, जिस तरह इस्लामिक की तरफ आए तो वो अबायाज होते हैं, वो ओवरऑल्स जो होते हैं, सॉरी मुझे वो टर्म्स नहीं आती जो खवातीन के कपड़ों में, लेकिन वो कोई आता वो कहता है जी मैं अपने घर से कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ और इसमें मैंने 2 लाख लगाए थे, मुझे 1.5 लाख महीने का इसमें से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो ये वाला बिजनेस आइडिया लेके आता है। हम देखते हैं, हमारी टीम चेक करती है कि क्या वाकई इसका पाकिस्तान में खासतौर पर ओवरसीज स्कोप है या नहीं है, क्योंकि हमारे पे नेटवर्क है ओवरसीज, बड़ी आसानी से हम बिजनेस को लेके जा सकते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं, अब वो आइडिया पिच होता है कि अगर इस बिजनेस में 20 लाख लगे तो इसको माहाना जो है 5 लाख प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये सब कुछ टीवी स्क्रीन पे हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, उनका हम सेटअप दिखा रहे हैं सब कुछ, वो बैकग्राउंड में वीडियोज भी चलती हैं, तो इट्स फिजिकल। और हम फिर कहते हैं ठीक है जी, इनके बिजनेस को हम आगे लेके चलेंगे। तो हमने इनिशियली पैसा अपना इन्वेस्ट करना, लेकिन कोई बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी देखा वो कहता है यार ये वाला जो आइडिया था ना इसमें मैंने इन्वेस्ट करना, तो इसमें इन्वेस्टर मैं होऊंगा, आप इसको उस नौजवान के साथ या खातून के साथ मिलकर चलाएं, तो इस तरह की एक्टिविटी होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन एक साइड पे तो हमने स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करना है, दूसरी साइड पे हमारे अपने बेशुमार बड़े बड़े 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हमारी आपस में बात हो रही थी, आप कह रही थी कि वो इलेक्ट्रिक बाइक आपकी देखी है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक कार लेके आ रहे हैं इस साल, और दिस इज मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, जिस तरह टेस्ला पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रही है इलेक्ट्रिक कार्स में और ट्रांसपोर्ट में, फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा है उस पर हम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर जो भी है उस पर काम कर रहे हैं। नाउ दीज आर यू नो बिगर इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टर कोई हो सकता है, देखें वो कोई 1 लाख से स्टार्ट करना चाहे, कोई 5 लाख से स्टार्ट करना चाहे, कुछ हो सकता है 5 करोड़ वाला हो या 50 करोड़ वाला हो, तो होल रेंज हमने अवेलेबल कर देनी है कि देखो ये पाकिस्तान की टॉप की इंडस्ट्री है, कंपनी है, इसको हमने अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, उसमें कोई आना चाहे उसमें आओ, आपने 10 लाख से 5 लाख से 1 लाख से कुछ स्टार्ट करना या इन्वेस्ट करना, ये बिजनेस आइडियाज हैं आपके सामने। तो इट्स द मेथड ऑफ कोलैबोरेशन, इट्स एन एनवायरमेंट ऑफ वर्किंग जॉइंटली टू क्रिएट जॉब्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। Right, that's very right. और इवन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंजीनियर्स हैं, यू नो दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ यू नो क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंजीनियर्स ऑल्सो, बिकॉज आजकल का जो एक रिसेशन का एक टाइम चल रहा है, स्पेशली पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी हमारी जिस तरह से मार्केट की चल रही है, उसमें यह है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के अच्छे पढ़े हुए ग्रेजुएट्स विद गुड GPAs एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब, and you know because this is the time of recession and you know bahut se aise log jo ke already jobs kar rahe the unki jobs khatam hui, internationally har taraf ek recession hai because of the pandemic, so in these times you know projects like mega success pakistan are very important, aur inki ahmiyat jo hai wo mazid badh jati hai, because in times ke andar jo hai wo pakistan ki economy ko ek support dena, ek strength dena, that is very important. aaj ke topic hamara jo show mein hum baat kar rahe hain business hubs ke bare mein में हम बात करें, अच्छा इसमें थोड़ा सा हमें ये बताएं शकील साहब कि आर यू गिविंग एनी प्रॉपर ट्रेनिंग टू द पीपल हु आर कमिंग टू यू, यू नो डू दे हैव टू स्पेंड अ पर्टिकुलर टाइम इन दोस बिजनेस हब्स, कुछ अरसा उन्हें वहां गुजारना पड़ता है, या आपको उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, या कोई उनकी ग्रूमिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इन केस इज हाउ दे कैन यू नो एंटर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड बिकम एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट अबाउट दैट? एग्जैक्टली, ट्रेनिंग के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इवन अगर किसी का बिजनेस चल रहा है, वो हमारे पास आता है कि यार इसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपने बिजनेस को, तो मुझे सपोर्ट दें, तो एवरीवन जो जीरो से एक स्टूडेंट आता है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसको
एक्सपीरियंस ही नहीं है और जिसके पास आइडिया भी नहीं है कि मैंने क्या करना है, वहां से लेकर जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कि आप यूके में जाके, आप दुबई में जाके, आप चाइना में जाके, जिस किस्म का आपका बिजनेस है वहां तक की ट्रेनिंग हम देंगे। तो इनिशियली ये होगा कि सबको एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो उस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है कि इसमें हम इन्वॉल्व हैं एज ए इन्वेस्टर एंड हम सपोर्ट भी दे रहे हैं, फिर इन्वेस्टर्स शायद इन्वॉल्व हों, फिर एक्सपीरियंस लोग हैं, टीमें हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो एक प्रोग्राम जो है हम सीईओ का प्रोग्राम है कि एक कंपनी का जो सीईओ होता है, जिसने कंपनी चलानी है उसको क्या क्या करना पड़ता है, कंपनी आप कैसे चलाते हो, फिर एक आइडिया से एक प्रैक्टिकल मिलियन डॉलर बिजनेस कैसे बनाते हो, तो ये हमारा प्रोग्राम है। फिर जो स्पेसिफिक है, जिस तरह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस वक्त पाकिस्तान में ई कॉमर्स में खासतौर पर अमेजन पे बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, उनके साथ हम रابطे में हैं, उनके हम कोशिश कर रहे हैं एक एक फ्लोर उनको देके, ताकि लोग जिसको ई कॉमर्स का शौक है, अमेजन पे काम करने का शौक है, वो उसी बिजनेस हब के अंदर आए, एक फ्लोर जो है उसमें वो सीख सकें। फिर हम एक को वर्किंग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि जहां जिन लोगों के पास जगह नहीं है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है, वो वहीं आके सीखे और वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, जब वो एक्सपेंड करते हैं उनको सेपरेट जगह या ऑफिसेज अरेंज किया जा सकते हैं। सो ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, वो लोकल बिजनेस से लेके ई कॉमर्स से लेके इवन फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ट्रेनिंग कोर्सेज का अलहदा पूरा एक डिपार्टमेंट होगा। और इवन जो लोग आके अपना आइडिया पिच करते हैं, हमें आइडिया पसंद आता है, उसका भी एक प्रोसेस है कि वो ना सिर्फ हमसे सपोर्ट लेंगे, साथ साथ उन्हें पूरी गाइडलाइन भी दी जाएगी और सारी ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आपने अपने फाइनेंसेस, मार्केटिंग और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको कैसे मैनेज करना। राइट, सो यू विल बी गेटिंग अ कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दैट, बिकॉज बहुत सी चीजें जैसे हमने पहले प्रोग्राम से भी अपने डिस्कस की कि फेसबुक के ऊपर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप यूट्यूब के ऊपर फॉलोअर्स अपने बढ़ाना चाह रहे हैं और ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं लाइक पेज, और यू नो यू हैव टू ऑब्वियसली सेट अप योर अकाउंट फॉर पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, एड्स अगर आपने लगाने हैं तो आपका क्या बजट होगा, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस कौन से हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत निटी ग्रिटी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि आप तभी सीखते हैं जब आप ट्रेनिंग करते हैं और आप ट्रेनिंग के प्रोग्राम में जाते हैं। बिकॉज विदाउट ट्रेनिंग अगर आप ये सोचे कि सिर्फ आप फेसबुक पे तो सबके अकाउंट होते हैं और अगर मेरा भी अकाउंट है तो आई कैन डू दैट, सो आई कांट बिकॉज आई हैवंट बीन ट्रेन्ड, राइट, सो यू नीड अ प्रोफेशनल फॉर दैट। सो वी आर लेफ्ट विद लास्ट टू मिनट्स, शकील साहब वुड यू लाइक टू से एनीथिंग इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम? सिंपल आखिरी मैसेज के आई बिलीव पाकिस्तान को जिन लोगों ने चेंज करना, हमारा नौजवान है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। अल्लाह ताला ने हर 100 में से कोई उसका कोई सिस्टम है कि 5-10 बंदे जो ऐसे होते हैं जिन्होंने बिजनेस ही करना, उनको बिजनेस की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है, वो सारी जिंदगी जॉब करते रहे, उनको सुकून नहीं आता। आपने भी इर्द गिर्द शायद अपने इस किस्म के लोग देखे हो। सिर्फ हमने करना क्या है कि उन 5-10 बंदों को 100 में से उनको पकड़ना है, उनको सिखाना है कि आप अपना बिजनेस कैसे कर सकते हो, उनको गाइडलाइन देनी है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कांट कंपेयर रिटर्न्स, यहां के रिटर्न्स इतने ज्यादा हैं कि आप यूके और यूएसए से भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ट्रस्ट का इशू है। तो इंशाल्लाह हम ये ट्रस्ट का एनवायरमेंट बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये सबको ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए कुछ करो, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करो, बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट करो, जॉब्स क्रिएट करो, और हमने मुल्क को मिलके इसकी इकोनॉमी को उठाना है, तो फिर ये पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुनिया में सुपर पावर बनेगा, हमारे तमाम मुसीबतों से हमारी जान भी छूटेगी और पूरी दुनिया में हमारी इज्जत भी होगी। राइट राइट वेरी राइट, एंड बेसिकली मेगा सक्सेस पाकिस्तान एज इन माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इनोवेशन एंड यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू ब्रिंग सच इनोवेशन इन पाकिस्तान विद शकील साहब इज डूइंग। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू नो वी विश ऑल द बेस्ट टू योर टीम हु आर वर्किंग विद यू, और वो सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि ज्वाइन करेंगे मेगा सक्सेस पाकिस्तान को, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके बिजनेसेस जो हैं वो सक्सेसफुल हों एंड माशाल्लाह यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सो शकील साहब विल बी सीइंग यू अगेन इन सम अदर शो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच, यू लव। द हार्टबीट ऑफ पाकिस्तान, दिस इज एफएम।